शिवपुरी जिले की नरवर पुलिस इन दिनों चर्चा में है। नरवर पुलिस ने विगत दिनों हुए ट्रैक्टर से युवक की मौत के बाद नरवर थाने में दो ट्रैक्टरों को पकड़कर थाने परिसर में रखवा दिया है। पुलिस पर गलत कार्यवाही के आरोप लगाते हुए हरल कुशवा द्वारा बताया गया कि उसका ट्रैक्टर घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था, जिसे पुलिस द्वारा जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 10/11/2022 को रात्रि 7:20 पर हनी रेस्टोरेंट के पास में दीवान सिंह रावत पुत्र DS रावत के ट्रैक्टर के चालक मुलायम सिंह ठाकुर निवासी दीदावली उक्त ट्रैक्टर लापरवाही से चलाकर मनीष जाटव पुत्र सूरत सिंह जाटव निवासी वार्ड क्रमांक 1 अंगोली चक नरवर की दुर्घटना कारित की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। किंतु पुलिस थाना नरवर द्वारा घटना कारित ट्रैक्टर का नाम व चालक का नाम अंकित न कर उससे दुर्भाग्यपूर्ण संधि कर होरल कुशवा पुत्र भत्तू कुशवा निवासी बांसगढ़ का ट्रैक्टर प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अंकित कर दिया गया है, जबकि उक्त ट्रैक्टर द्वारा घटना कारित नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर क्रमांक MP33M6138 के चालक मुलायम सिंह ठाकुर द्वारा कारित की गई घटना का CCTV फुटेज एवं साक्षीगण हरगोविंद कुशवा नीरज कुशवा द्वारा उक्त ट्रैक्टर द्वारा कारित की गई घटना समक्ष देखी गई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी आज थाने में जो सारे लोग एकत्रित हुए? ये तारीख 10 की घटना है कि एक हमारे बांसगढ़ के ओरल कुशवा जी जो अपने फसल बेचकर घर जा रहे थे कि उसी क्रम में एक दूसरा ट्रैक्टर जिसने घटना कारित की उस ट्रैक्टर को नहीं पकड़ा गया और सीधी साधी बिरादरी के कुशवा ओरल कुशवा के ट्रैक्टर को इस अपराध में फंसा कर झूठा फंसाया जा रहा है, जिसकी श्रीमान महोदय से निवेदन है इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए और दोषी जिसका है उसको दंडित किया जाए, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए और जो वास्तव में दोषी नहीं है उसको जांच में निष्पक्ष निकाला जाए और वैधानिक कार्रवाई की जाए। अभी तक जो जांच की गई है इस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है और TI महोदय को पूर्व में अवगत कराया था लेकिन फिर भी हमारे TI महोदय उपस्थित नहीं रहे। मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमने शर्मा जी को ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन के माध्यम से अपने जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको जांच को प्रारूप देकर निष्पक्ष रूप से जांच कराएं। क्या क्या मांगे थी इसमें आपकी? इसमें थी कि हमारा जो ट्रैक्टर होरल कुशवा का जो फंसाया गया है वो अपराध में शामिल ही नहीं है, उसको जबरदस्ती रूप से फंसाया गया है जो गलत है, और जिस ट्रैक्टर को फंसाया गया है उस जिस ट्रैक्टर की जो एक्सीडेंट हुआ है उसको भी रखा गया थाने पर और जो गलत रूप से फंसाया जा रहा है उसको भी रखा गया है। फुटेजों के अनुसार साबित है कि स्पष्ट रूप से वो ट्रैक्टर हमारा जो फंसाया गया जा रहा है वो शामिल ही नहीं है। फुटेज के अनुसार जो ली जा रही है उससे वह बाद में निकला है ट्रैक्टर, जबकि घटनाकार ट्रैक्टर से पूर्व निकला है। क्या आगे की क्या रणनीति बनाई है आप लोगों? आगे की रणनीति श्रीमान महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है उसकी 7 दिवस के अंदर निष्पक्ष रूप से जाँच करा कर प्रतिबंधन दें और नहीं तो हमारे लिए मजबूरन धरना पर बैठना पड़ेगा या फिर आगे की कार्रवाई के लिए कदम उठाना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।